भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया खेले गए पहले टेस्ट मैच में मिली हार के बाद भारत को एक और बड़ा झटका लगा है। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सीरीज से बाहर हो गए हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी दाएं हाथ फ्राउंट होने की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। पहले टेस्ट की दूसरी पारी में बल्लेबाजी के दौरान पैट कमिंस की एक गेंद उनके दाएं हाथ पर लगी थी, इसके बाद वो मैदान से बाहर चले गए थे और फिर उनकी वापसी नहीं हो पाई थी। बल्लेबाजी के दौरान उनके हाथ फ्रॉक हो गया था, दर्द की वजह से वे बैट भी नहीं पकड़ पा रहे थे। बाद में उन्हें मैदान से बाहर आना पड़ा, इसके बाद भारत की गेंदबाजी के दौरान भी वे बाहर ही रहे थे। शमी का टेस्ट सीरीज नहीं खेलना भारत के लिए एक बड़ा झटका है। कोहली भी पेरेंटिटी लीव की वजह से बाकी तीन टेस्ट मैचों में नहीं खेलेंगे। उनके जाने से बल्लेबाजी कमजोर होगी। टीम इंडिया को दूसरे टेस्ट मैच में 26 से 30 दिसंबर को बीच मेलबर्न में खेलना है। ऑस्ट्रेलिया ने एडलर्ड में खेले गए डे नाइट टेस्ट में भारतीय टीम को 8 विकेट से हरा दिया है। टीम इंडिया को अपनी दूसरी और विदेश में पहली पिंक बॉल टेस्ट से ये हार मिली। भारत ने पहले डे नाइट टेस्ट में अपने ही घर में पिछले साल बांग्लादेश को पारी और 46 रन से लपेटा था। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम की ये डे नाइट टेस्ट में लगातार 8वीं जीत है।